हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरियाली पनीर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करें। यहाँ देख सकते हैं हमने पनीर ले लिया है। ये पनीर हमने घर में बनाया है। आप चाहें तो पैकेट पनीर भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो 200 के ग्राम से हिसाब से हमने पनीर ले लिया है। साथ में हमें ग्रीन ग्रेवी बनानी है, जैसा कि हरियाली पनीर हमारी रेसिपी का नाम है। तो इसके लिए हमने बहुत सारी ग्रीनरी ले ली है। तो एक गुच्छा हम हरी धनिया ले लेंगे, थोड़े से हम करी पत्ता ले लेंगे, थोड़े से छोटे टुकड़े हमने, एक टुकड़ा हमने हरी जिंजर ले लिया है। जिंजर को अच्छे से छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। साथ में हाफ कैरेट या फिर 4-5 पीस हम कैरेट काट कर ले लेंगे। और साथ में एक टुकड़ा हमने फ्रेश कोकोनट ले लिया है, इसे अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब उसी जार में हम, जिसमें हमने कोकोनट पीसा था, उसी में हम ये सारे चीज़ें डालकर एक अच्छा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रीन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे। गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है। तेज आंच में हम पनीर की ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच हमने ऑयल दे दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गई। इसके बाद हम सारे पनीर, कटे हुए पनीर हम डाल देंगे। इसे हम बिल्कुल हल्का भुनेंगे। हल्का भून के इसे हम निकाल लेंगे। तो सारे पनीर हमने ऑयल से निकाल लिया है। बचे हुए ऑयल में हमें एक्स्ट्रा ऑयल और नहीं डालनी है। बचे हुए ऑयल में हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम 2-3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद हमने जो ग्रेवी तैयार की है उसको हम कढ़ाई में डालेंगे। तो सारी ग्रेवी हमें डाल लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको और तीखी चाहिए तो इसमें आप 3-4 हरी मिर्च का डालकर भी पेस्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन ग्रेवी है। तो आप 3-4 हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा तीखी ग्रेवी चाहिए तो। यहाँ पर हमने सारे ग्रेवी इसमें डाल दिया है, सारे पेस्ट डाल दिया है। उसे हम 1 मिनट भून के इसके बाद हम सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ले ली है, और 1 छोटी चम्मच हमने जीरा पाउडर ले लिया, और 1 छोटी चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया, और 1/2 छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। तो सारे सूखे मसालों को हम सारे हम अब हम मसालों में डालेंगे। इन सबको हम मसाले के साथ अच्छे से भुनेंगे। तो ग्रीन पेस्ट के साथ हमें सूखे मसाले अच्छे से भुनना है। इसके लिए हमें यहाँ पर देखिए मिक्सर जो जार है इसमें थोड़े से मसाले लगे हुए थे, इसमें हम 1/2 कप पानी डाल के इसे डाल दिया है, और इसे और अच्छे से हम भून लेंगे। तो 1-2 मिनट इसे मसालों को भुनने के बाद ये मसाले बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हमने ऑनियन और गार्लिक का बिल्कुल यूज नहीं किया है। बिल्कुल ये सात्विक सब्जी है, निरामिष सब्जी है। तो आप ऐसे भी फेस्टिवल में, पूजा में, जब आप ऑनियन और जिंजर गार्लिक यूज नहीं करते, ऑनियन और गार्लिक, तब ये सब्जी, स्पेशल सब्जी आप उस समय भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्रेवी में पानी डाल दिया है। तो 1 गिलास हमने पानी डाला है, इससे पानी अच्छे से उबल जाए ग्रेवी अच्छे से। उसके बाद हम सारे पनीर इसमें हम अब डाल देंगे। तो सारे पनीर हमने इसमें डाल लिया है। तो इसे हम 1 मिनट पकाएंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें हिसाब से पानी डालनी है,
ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक गिलास पानी हमने डाला था और इसे अच्छे से हम पनीर के साथ उबलने देंगे। उसके बाद हम ग्राइंड किए हुए कोकोनट को, फ्रेश कोकोनट को डाल देंगे। कुछ सेकेंड इसे हम पकने देंगे। इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा आता, टेस्ट काफ़ी अच्छी आएगी ये पनीर के साथ। ये फ्रेश कोकोनट की टेस्ट काफ़ी बेहतरीन आती है। इसे कुछ सेकेंड पकने के बाद हम इसमें अब हम सॉल्ट डालेंगे। यहाँ पर हमने पहले सॉल्ट नहीं डाला था, आखिर में हम सॉल्ट डाल रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट सॉल्ट का और सारी सब्जी के साथ मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छी टेस्ट आएगी। तो ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें हम आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें थोड़े थोड़े हम डालते डालते ये ग्रेवी जैसा हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो हम गैस बंद कर देंगे। हमारी हरियाली पनीर की रेसिपी, हरियाली पनीर बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने सर्विंग बॉल में इसे सर्व कर लिया है। ऊपर से हमने कोकोनट, ग्राइंड कोकोनट को थोड़ा सा डाल दिया है, गार्निशिंग कर ली है, जिसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। इसमें बिल्कुल ये सात्विक सब्जी है, इसमें ऑनियन और हमने गार्लिक का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और दिखने में काफ़ी स्पेशल है। खाने में जो आप पनीर के डिश खाते हैं उससे काफ़ी इसकी अलग टेस्ट है, काफ़ी अच्छी टेस्ट है। इसमें कोकोनट का भी टेस्ट आएगा। तो आप इसे पूरी, पुलाव, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगेगी। और कभी भी खास मौके पर, फेस्टिवल में इसे ज़रूर बनाएं, काफ़ी अच्छी रेसिपी है। इस रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।